आप सभी के एग्जाम बहुत ही करीब हैं और जैसे जैसे आपके एग्जाम के दिन नजदीक आएंगे आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे कि हम अंतिम समय में वो क्या काम करें, कौन से ऐसी ट्रिक्स लगाएं जिससे हम अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। देखिए, आप साल भर कितना पढ़े होते हो ये इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि आप अंतिम समय में क्या करते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, मैंने खुद देखा हुआ है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत नॉलेज होती है लेकिन वो एग्जाम में जा करके अपने चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। और आप एक बात जान लीजिए, आप जो अपनी कॉपी में लिख कर आओगे एग्जामिनर को वही पता है, एग्जामिनर ने आपने साहब की शक्ल नहीं देखी और एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप कितने नॉलेजफुल लड़के हो या कितने नॉलेजफुल लड़की आप हो, आप कैसे स्टूडेंट हो ये एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर ही बताता है। तो अंतिम समय में ऐसा क्या करें कि आप अपने एग्जाम में बहुत अधिक से अधिक स्कोर करें। सबसे पहले जान लीजिए, जैसे जैसे आपके एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं आपके मन में दो विचार ये चल रहे होंगे कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे चेक करूं कि मैं कितना तैयार हूं। मान लीजिए कि आज से एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम हो जाता है, एक महीने बाद आपका एग्जाम है, अभी मैं करंट लेवल मेरा क्या है, मैं किस स्तर पर खड़ा हूं, ये सारी बातें आपका चेक करने का मन करता होगा। इसके लिए मैं आपको दो टिप्स आज बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों टिप्स को बहुत आसानी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ फॉलो करेंगे और अपने रिजल्ट में आप खुद अंतर देखेंगे। चलने से पहले मैं आपसे स्वामी विवेकानंद जी की दो पंक्तियां कहना चाहूंगा अपने सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के भाई बहनों के लिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये पंक्तियां हर किसी को कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं और मैं चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के मन में ये पंक्तियां ऊर्जा प्रदान करेंगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होकर के जाओगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले हमें दो काम जरूर करना चाहिए। आप किसी को भी देखो, एक टॉपर स्टूडेंट को, एक एवरेज स्टूडेंट को और एक डल स्टूडेंट को, अंतर कहां पर होता है कि हम अपने आप को टेस्ट नहीं करते। आप अगर बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले खुद को टेस्ट कर लें, अपनी कमियों को आप ओवरकम कर लें तो आप बोर्ड परीक्षा में जरूर विजय प्राप्त करेंगे, अच्छा करके आएंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस होगी, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको बताता है आपका सैंपल पेपर। इसीलिए जब आप एक सैंपल पेपर का चुनाव करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सैंपल पेपर को चुनना चाहिए। आपको वो सैंपल पेपर लेना चाहिए जो बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हो, जो बोर्ड के मॉडल पेपर्स को कवर करता हो, कहने का मतलब जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर जारी किया जाता है वो आपको एग्जाम से पहले बोर्ड यह बताता है कि हमारा पेपर इसी आधार पर होगा, इस तरह के क्वेश्चंस, इतने इतने मार्क्स के ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अपना सैंपल पेपर बहुत सावधानी के साथ चुनना है, क्योंकि आप जो सैंपल पेपर चुनाव करोगे, और ये आपको ज्यादा नहीं, आपको एग्जामिनेशन से पहले हर सब्जेक्ट में 5-5 सैंपल पेपर अगर आप लगा लेते हो तो मैं ये मानता हूं कि ये आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपको इसका फायदा तब पता चलेगा जब अपने पेपर आप लिख रहे होगे, तब आपको लगेगा कि हाँ। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप ये मान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम एक नॉकआउट मैच है और आपका सैंपल पेपर लीग मैचेस है। लीग मैचेस में आप गलती कर सकते हो लेकिन नॉकआउट मैच में अगर आपने गलती किया तो आप टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाओगे। तो वही आपका बोर्ड एग्जाम है कि आपको अपने नॉकआउट मैच में गलती नहीं करनी, इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है और वो तैयारी आपको प्रदान करता है आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर। सबसे पहले जान लीजिए सैंपल पेपर से फायदा क्या होता है। पहली बात, आप बोर्ड एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आपकी आदत नहीं होगी 3 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व करने की, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपकी शिकायत यही रहेगी कि मेरे ये क्वेश्चन छूट गए, मैं ऐसा नहीं कर पाया। बहुत सारी गलतियां आपको एग्जामिनेशन देने के बाद पता चलती हैं और यही गलतियों से आपको बचाता है आपका सैंपल पेपर। तो जब भी आप सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि आप अपने स्टडी टेबल पर बैठें, 3 घंटे का अलार्म लगाएं, स्टॉप वॉच लगा लें और ये देखें कि क्या मैं पर्याप्त समय के अंदर पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है और क्या आप सीमित समय के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, क्या आप पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल के डर को अपने घर से ही खत्म करके जाओगे और आपका एग्जामिनेशन हॉल आपके लिए वही नॉकआउट मैच होगा जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म करके आओगे। क्योंकि आपने लीग स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। आप लोग क्रिकेट में देखते हो कि जो लीग स्टेज में अच्छा परफॉर्म करता है उसके जो बाद के मैचेस होते हैं वो आसान हो जाते हैं, तो वही चीजें आपके साथ होंगी जब आप ऐसा करके जाओगे। दूसरी चीज, जैसे ऐसे एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमें शॉर्ट समरी मिल जाए। खासकर हम सभी ये चीज साइंस में, SST में, ये सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, लिटरेचर टाइप के सब्जेक्ट्स में, लैंग्वेज टाइप के सब्जेक्ट्स में हम ये खोजते हैं कि हमें शॉर्ट समरी मिल जाए।
कहने का मतलब हमें चैप्टर का ओवरव्यू पता लग जाए कि चैप्टर में है क्या, ताकि हम कोई भी प्रश्न उस चैप्टर से हमसे पूछा जाए तो हम किसी भी प्रश्न को छोड़ कर ना आए, अन अटेम्प्ट करके ना आए। तो ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। इसके लिए आप ये सोचते हो कि मुझे शॉर्ट समरी मिल जाए, मुझे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिले, ताकि मैं कोई भी प्रश्न अगर आता है उससे रिलेटेड में आंसर लिख पाऊं। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म आपको मैं सरप्राइज देने जा रहा हूं, ऐसा ही प्लेटफॉर्म आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है, जो कि अनअकैडमी एक प्रोग्राम चला रही है रिवेजथॉन 2, जिसके माध्यम से आप सभी क्लास 9 टू 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी अपने एग्जाम को लेकर स्ट्रेस्ड हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं कम सिलेबस में अच्छा परफॉर्म कैसे करूं, जैसा कि आपको पता है इस बार का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कम समय में आप कैसे चीजों को कंप्लीट करें और अपने आप को एग्जाम के लिए पूरा तैयार रखें, तो ऐसा मौका आपको दे रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, रिवेजथॉन 2 में जाना है, जिसमें कि आपको 16 जैन से लेकर के 20 जैन के बीच में 5 डे प्रोग्राम है, आपको 5 पावर पैक सेशंस मिलेंगे, जिसमें जाकर के आप सभी अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर पढ़ाएंगे और वो आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसकी टाइमिंग है 10 AM to 8:30 PM। मैं चाहूंगा कि मेरा हर सब्सक्राइबर और जितने भी लोग बोर्ड परीक्षार्थी हैं वो 16 जैन से लेकर के 20 जैन के बीच में जा करके इन सेशंस को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और मैं उम्मीद करूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जा करके इस सेशन का फायदा उठाएं, क्योंकि इसका एनरोलमेंट 100% फ्री है। और मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जो दो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, आपका स्कोर, आप रिजल्ट आने के बाद खुद कमेंट करोगे कि हाँ सर, जो आपने टिप्स दी वो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई और आपने जो टिप्स दी बहुत हेल्पफुल थी, आपको आपके रिजल्ट में इन दोनों बातों का असर देखने को जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।